इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर मुरादाबाद में सुप्रसिद्ध ज्योति जीवन योगा सेंटर की संचालिका ज्योति दिवाकर ने अपने सेंटर पर योग दिवस के अवसर पर महिलाओं को योग के फायदे बताते हुए तरह तरह के योगासन कराए। साथ ही योग करने आई महिलाओं ने योग के बारे में अपने विचार रखे और योग को हर जीवन में उपयोगी बताया। योग करने आई महिलाओं से जब पूछा गया कि योग से उन्हें क्या क्या फायदे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया। योग दिवस के मौके पर ज्योति जीवन योग केंद्र की तरफ से मनीता, अदिति, प्रियंका, अंशिका, दीपा, नव्या, नूरजहां, सुमन, सिमरन आदि लोगों का मुख्य योगदान रहा। मैंने 6 महीने से योगा ज्वाइन कर रखा है। मुझे योगा से बहुत ज़्यादा फर्क है, मेरा स्वास्थ्य है, कोई भी मुझे शिकायत नहीं है। पहले मैं हर समय अपनी पेन में रहती थी, लेकिन ज्योति मैम के सहयोग से, इस योगा सेंटर के सहयोग से मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मैं सभी को अपनी ये राय देती हूँ कि डेली योगा करें, चाहे घर करें, चाहे किसी सेंटर पर आके करें, चाहे कहीं भी करें, डेली योगा करें, जिससे आप स्वस्थ रहोगे, आपका जीवन सुखमय और सुखी रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस मनाने का शुरुआत किया गया था और पूरे ही इंडिया के अंदर आज के दिन योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कि आज आपने किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया है, क्या किया है? हम सभी बहनों ने अपनी योगा क्लास में एक साथ योगा करी है और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाए हैं साथ में और हम इसे सेलिब्रेट करें। कितना ज़रूरी है आज के वक्त में योगा? आज के वक्त में जिस तरह का हमारा खान पान है, जिस तरह का हमारा रहन सहन है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो आजकल योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा बहुत ही माइंड एक्सरसाइज भी हो सकती है, हम रोज़ में अपने घर में भी कर सकते हैं। मैं सभी को बोलूँगी कि ज़रूर योगा करें। योगा डे है, किस तरह से सेलिब्रेट किया है आज आपने दिन को, क्या कहेंगे? आज के दिन हम सब यहाँ अपनी क्लास के लिए आए हैं और बड़ा स्पेशल हमें फील हो रहा है क्योंकि ज्योति मैम ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करा हुआ है और आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसके लिए जिसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये कहता है कि हमें योग स्वयं भी सीखना चाहिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो योगा का निरंतर अभ्यास कर सकें। और योगा हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है, इसका निरंतर अभ्यास हम सबको बीमारी तकलीफों से दूर करता है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी सुधार करता है।